असलकम स्टूडेंट्स दूसरी के स्टडी जो हम पाकिस्तान से सोशल एंट्रपनीरशिप फ्राम आइडिया टू अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर रहे हैं वो है एक ऑर्गनइजेसन जिसका नाम है घोंसला एज़ ऑफ नेस्ट इन इंग्लिश जी घोंसला जो परिंदे रहने के लिए बनाते हैं उर्दू शायरी में घोंसला की तशबी जो है वो घर के लिए मकान के लिए हाउसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है एक ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर की स्टडी है जो कि हाउसिंग सेक्टर में सस्टेनेबल uh, एफिशिएंट और लो कॉस्ट हाउसिंग फैसिलिटी एक खास तरह की फ्राहम कर रहे हैं जो वो खास तरह की फैसिलिटी फ्राहम कर रहे हैं वो उनका आइडिया है आइडिया क्या है कि पाकिस्तान के नॉर्द्रन एरियाज़ में तकरीबन एट मिलियन लोगों को हाउसिंग का जो उनके एनर्जी है उसको इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाना यानी बिजली टेम्परेचर और उसका जो फ्यूल्स का इस्तेमाल है उसको सस्टेनेबल बनाना इनोवेशन जो है वो आइडिया ही बहुत बोल्ड और इनोवेटिव है और अगर आप सोचें कि एक यंग फीमेल का आइडिया है एंड शी एक्चुअली इज़ इम्प्लीमेंटिंग इट तो आपको थोड़ी सी और हैरत होगी हाउसिंग वो सेक्टर नहीं है जिसमें उमून ख़वात काम करती हैं और ख़ास तौर पर फार फ्लंग नार्दर्न एरियाज में जहरा अली सीईओ ई हैं घोंसला की फार प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जहरा अली नॉर्थर्न एरिया से ही बिलोंग करती हैं आइडिया जो है वो 2005 के अर्थ के बाद आया जब शुमाली इलाक़ों और आज़ाद जम्मू कश्मीर में हाउसिंग फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा तबाह हो गई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा और मौसमी हालात बहुत शदीद थे लोगों के लिए मौसमी हालात का सामना करना मुश्किल हो गया सो so, अपॉर्चुनिटी जो बेसिकली है वो 2005 का अर्थ है जो फ़राहम कर रहा है कि हाउसिंग को और उसमें एनर्जी कंजम्पशन को तब्दील किया जाए जारा अली ने सोचा कि लोग नए मकान तो बना ही रहे हैं क्यों ना इनका एनर्जी की जो कंजम्पशन है उसको बेहतर बनाने के लिए इनको हेल्प किया जाए थ्रू इंसुलेशन इंसुलेशन आप समझते हैं कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ऑन टॉप ऑफ दैट उसमें अमूमन एक स्पेस क्रिएट की जाती है जिसमें कोई मटेरियल भरकर उसको इस तरह से बाकी दीवारों और छत के साथ लगा दिया जाता है कि टेम्परेचर का ट्रांसफ़र जो है वो रेगुलेट हो जाता है आपको पता है हमारे नॉर्दर्न एरियाज में आज़ाद जम्मू और कश्मीर में मौसम बहुत सख्त होता है खासतौर पर सर्दी का मौसम लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ी काटते थे जो कि सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ नहीं है और पाकिस्तान ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज को सफ़र कर रहा है ऐसे में ज़ाहरा अली ने सोचा कि अगर वो इंसुलेशन, खास तौर पर नॉन ट्रेडिशनल मटेरियल से इंसुलेशन, मसलन उन्होंने कागज़ इस्तेमाल किया उन्होंने ये जो हम डिस्पोजेबल बॉटल्स पी कर फेंक देते हैं प्लास्टिक उसको इस्तेमाल किया फ़िलिंग के तौर पे, इसी तरह कार्डबोर्ड को इस्तेमाल किया ऐसी चीज़ें जिनकी कॉस्ट कम होती है उनको प्रोसेस करके वो वैक्यूम फिल किया और इंसुलेशंस बनाई जो कि छतों और दीवारों के साथ उन्होंने उनको कर दिया इंसुलेट कर दिया और उससे लोगों का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो तकरीबन थर्टी परसेंट कम हो गई एनर्जी कंजम्पशन कम होने से लोगों के ना सिर्फ जो फ्यूल के ऊपर बिजली के ऊपर ख़र्चा था वो कम हुआ बल्कि उन्हें वो पैसे अपनी बाकी सोशो इकनॉमिक लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करने का मौका भी मिला जरा ज़हरा अली ने यह फ़्री ऑफ कॉस्ट नहीं किया उनकी अगर आप इंसुलेशन जो है वो करवाते हैं उनसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन से तो आपको पे करना होता है लेकिन उनको पता था कि उस इलाके में लोगों के हालात ऐसे नहीं है कि वो लमसम पे कर सकें तो एक तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाया दूसरे उन्होंने साथ ही लोन की फैसिलिटी जो है वो भी प्रोवाइड की के लोग छोटा सा एक लोन ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से और इंटरेस्टिंगली बहुत सारे लोग जो हैं वो उस लोन को इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करके पे बैक करते हैं तो एक पूरा उन्होंने एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी का सर्कल बना दिया जिसमें लोग ना सिर्फ अपने घरों को बेहतर बना रहे हैं उस पैसे बचा रहे हैं एनर्जी बचा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बना रहे हैं बल्कि पैसे कमा रहे हैं और उससे अपनी ओवरऑल लाइफ जो है उस पर उसका इम्पेक्ट हो रहा है जहरा अली के इस इनोवेटिव आइडिया को इंटरनेशनली रिकगनाइज़ किया गया इस वक्त वो स्केल अप फेलो हैं ये एक बहुत ही हाई लेवल का फेलोशिप है जो बहुत ही सेलेक्ट एंटरप्रेन्योर्स को पूरी दुनिया में चंद एंटरप्रेन्योर्स को एक वक्त में मिलता है बल्कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो इंटरनेशनल जोग्राफिक सोसाइटी का जो इनोवेटिव एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट है उसका अवार्ड भी उसने विन किया है सो कंपेयर्ड विद हाशू फाउंडेशन जहाँ पे सारे पैसे जो हैं वो बिज़नेस के प्रॉफिट से आ रहे हैं ज़ाहरा अली का घोंसला प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिट अर्न करता है ना सिर्फ अपने लिए बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है एनर्जी सेविंग मीन्स क्लाइमेट चेंज जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करता है वेरी इनोवेटिव सोशल एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव फ्रॉम पाकिस्तान थैंक यू